दूध यानी कि मिल्क। तो मिल्क में आप सब जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। तो दूध में विटामिन, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपकी स्किन को डीप नरिश करते हैं और पूरा दिन मॉइस्चराइज करते हैं। इसका एक्ने प्रूफ फार्मूला आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करता है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात कर रहे हैं नेचुरल ग्लो की, यानी कि चमकदार चेहरे की और साफ और गोरे चेहरे की। तो आज हम बात करेंगे दूध की। तो दूध से आज हम बनाएंगे एंटी एजिंग DIY क्रीम, जो घर पर आप बड़ी आसानी से कुछ बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये है क्रीम। इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। इसमें जितने भी मैंने इंग्रेडिएंट डाले हैं वो सारे बहुत ही आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल हैं। आप इसे फ्रिज में 7 से 8 दिन तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इसमें बहुत गुड क्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं। और ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, कुछ इस तरीके की क्रीम हमारी बन करके रेडी हो जाएगी। और इसे आप अपने चेहरे पर, जिस समय आपका चेहरा धुला हुआ, आप सुबह और शाम इसे अप्लाई कीजिए। आप दिन में आप जितनी बार भी मुँह धोते हैं, तो जिस समय आप साबुन से या मुँह धोते हैं उसके बाद इसे अपने स्किन पर आप अप्लाई कर लीजिए। इसे देखिए, आप इस तरीके से अप्लाई कर लीजिए। आप खुद जब देखेंगे, मैं इसे आपको लगा कर दिखाऊँगी, तो आपको देखेंगे मेरा चेहरा कितना ज़्यादा चमक रहा है। इसके इस्तेमाल से आपकी स्किन बिल्कुल गोरी होगी, चमकदार होगी। जो दाग धब्बे होंगे वो अभी आपकी स्किन से चले जाएंगे। और इसे आप चेहरे पर ही नहीं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, इसे आप चेहरे पर भी नहीं, इसे आप अपने हाथों पर भी लगा सकते हैं। इससे भी आपके हाथ गोरे, चमकदार, साफ सुथरे नज़र आएंगे। इसे आप दोनों हाथों पर तरीके से मसाज कर लीजिए। बहुत ही बेनिफिशियल क्रीम है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और आपको दिखाते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे 2 चम्मच राइस यानी कि चावल, और इन चावलों को हम अच्छे से 1 या 2 पानी से वॉश कर लेंगे, ताकि अगर इसमें दवा लगी हुआ है आपके चावलों में या इसमें जो भी गंदगी है, धूल मिट्टी है, वो आपकी निकल जाए। और अब हमें इसे रात भर भिगो करके रख देना है। रात का जब हम भिगोएंगे तो हमारे जो सुबह क्रीम या जो हमारी जो रेमेडी है वो बहुत ही बेहतरीन बनेगी। तो सुबह जब ये भीग जाएगा तो हम इसका एक फाइन पेस्ट बना करके रेडी रख कर लेंगे। कुछ इस तरीके से आपको ये पेस्ट देखिए मैंने बना करके रख लिया है। अब हम तैयार करेंगे रेमेडी। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में हम लेंगे दूध। दूध हमें चाहिए 6 चम्मच। तो आप मिल्क कच्चा भी ले सकते हैं या बॉयल किया हुआ भी ले सकते हैं। ये जो मैंने फाइन पेस्ट बना कर रखा है चावलों का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसमें हम थोड़ा सा वाटर भी इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे एलोवेरा प्लांट का, जो मैंने फ्रेश प्लांट है उसका पल्प मैंने निकाल लिया है। अगर आपको ये मिल जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, इसे रेमेडी हमारी अच्छी बनेगी। अगर नहीं मिलता है तो आप बाज़ार वाला भी ले सकते हैं, वो भी काम करेगा। और इसे हम थोड़ा सा मिक्स करने के बाद एक पैन में डाल करके गैस पर बिल्कुल स्लो आंच में हम इसे रख देंगे। और हमें इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि जो चावल है वो तुरंत ही पैन की तली में लगने लगेगा और इसमें लम्स भी पड़ जाएंगे, तो हमारी रेमेडी ख़राब होने का डर है। इसे 7 से 8 मिनट तक पकाना है, ये जब तक ये गाढ़ा भी हो जाएगा। गाढ़ा होने के बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे, क्योंकि जब तक हमें इसे तब तक पकाना जब तक हमारा ये क्रीम फॉर्म में नहीं बन जाता। तो वो ठंडा होने के बाद हम इसे स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेन करना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें सिर्फ इसका क्रीम फॉर्म चाहिए, जो इसमें मैंने पल्प डाला है या जो भी इसका गाढ़ापन जो ऊपर आ जाएगा, एक्स्ट्रा चीज़ें, वो हमें नहीं चाहिए। स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे। जो इसका बचा हुआ पल्प या गूदा है, उससे मैं एक बहुत ही अच्छा स्क्रब आपसे बहुत ही जल्दी शेयर करके आपको दिखाऊंगी। तो चलिए अब क्रीम को बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्रीम में डालना है हमें वर्जिन कोकोनट ऑयल। तो ये मैंने 2.5 ml यानी कि 1/2 चम्मच वर्जिन कोकोनट ऑयल लिया है। उसके बाद मैंने बादाम का तेल 7 से 8 ड्रॉप इसमें डाल ली है। और उसके बाद हमने इसे मिक्स करना है। तो जो नारियल तेल हमने डाला है वो हमारी स्किन को नरिश करेगा और हमारी स्किन को मॉइस्चराइज भी करेगा। और बादाम का तेल हमारी स्किन की जो भी डैमेज है वो उसको
ठीक करिएगा। उसके बाद हम डालेंगे ग्लिसरीन, तो ग्लिसरीन से हमारी स्किन का पीएच लेवल बिल्कुल ठीक रहेगा, स्किन हमारी बिल्कुल मेंटेन रहेगी। तो इसके लिए हम आधा चम्मच ग्लिसरीन को डालें, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इसमें दो ऑयल आ जा चुके हैं, तो हम इसमें आधा स्पून ही ग्लिसरीन डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे। तो ये चीज़ें आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो देंगी और स्किन में आपके निखार लाएंगी। उसके बाद हम इसमें डालेंगे रोज़ वाटर। तो रोज़ वाटर एक टोनर का काम हमारी स्किन में करेगा, तो ये हमारी स्किन को एक फ्रेश लुक भी देगा। तो एक चम्मच हमें रोज़ वाटर इसमें ऐड कर देना है। इसके बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे। सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे एलोवेरा जेल, क्योंकि अब हमें क्रीम हमारी बनने वाली है, तो सबसे लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे एलोवेरा जेल। तो मैंने ये ग्रीन लीफ का 1 स्पून एलोवेरा जेल लिया है। मैंने बाज़ार वाला अब इसलिए लिया क्योंकि अब प्रिजर्वेटिव है, अब हमें क्रीम को स्टोर करना है, तो इसलिए अब हम ये वाला इसमें डालेंगे। अब इसमें हमारी सारी चीज़ें पड़ गई हैं, अब हमें मिक्सिंग करना। मिक्सिंग अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है इस क्रीम का। तो मिक्स करते जैसे हम जाएंगे, इसका टेक्सचर बदलता जाएगा और ये बहुत ही एक आपकी देखिए क्रीम बन करके लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो आपने देखा कि इस क्रीम को बनाना कितना आसान है और इसे स्टोर करना भी आसान है। तो आप भी बना के रखिए और लगाइए और रिजल्ट देखिए, उसके बाद आप अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए, कमेंट में बताइए। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है और अगर आपके लिए ज़रा भी बेनिफिशियल होती है, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।